गुरुवार की सुबह ऐसा क्या हुआ? गुस्से से भरे मोदी आए मीडिया के सामने, सभी सीएम को दिया बड़ा आदेश। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐसी मांग, आप भी कहेंगे इन पापियों का यही है इलाज, ये शर्मनाक है। मीडिया लेती रही सचिन और सीमा पर टीआरपी, उधर मणिपुर में हो गया कुछ ऐसा, सुप्रीम कोर्ट भी भड़का। गुरुवार की सुबह सुबह जब मीडिया सचिन और सीमा की स्टोरी दिखा रही थी, कई सांसद संसद सत्र से पहले की चर्चा के लिए निकलने वाले थे, तभी पीएम मोदी गुस्से में मीडिया के सामने आए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को इतना बड़ा आदेश दे दिया कि सुनकर आप भी कहेंगे ये सबसे जरूरी था। गुस्से में दिया गया ये आदेश साफ बता रहा है कि पीएम मोदी को ये कहते हुए कितनी पीड़ा हो रही थी। पीएम मोदी ने यह आदेश क्यों दिया, उसकी वजह भी जान लीजिए। मणिपुर में मैथई और कुकी समुदाय के बीच चल रही लड़ाई में कुछ लोगों ने महिलाओं को निशाना बनाया। वहां से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखें झुक गईं। खुद को बावन वीर बताने वाले लोगों की जुबा भी सील हो गई। वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि वो तस्वीर इस समाज से गायब होते जा रहे संस्कार के जनाजे की है। वो तस्वीर महिला अपमान की नहीं बल्कि महिलाएं सुरक्षित हैं इस दावे की हकीकत बयां करती है। इसीलिए पीएम मोदी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसे देखने के बाद गुस्से में है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम एक्शन लेंगे, अगले शुक्रवार तक हमें पूरी रिपोर्ट सौंपिए। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का ट्वीट है। वो लिखते हैं, मेरी संवेदनाएं उन दो महिलाओं के साथ जिनके साथ बेहद अपमानजनक और अमानवीय कृत्य किया गया, जैसा कि कल सामने आए दुखद वीडियो में दिखाया गया। इसके सामने आने की तुरंत बाद घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मणिपुर पुलिस हरकत में आई है और आज सुबह पहली गिरफ्तारी की। अभी गहन जांच चल रही है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इसमें मौत की सजा की संभावना पर भी विचार किया जाए। हमारे समाज में ऐसे घिनौने कृत्यों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। पुलिस की 12 टीमें सभी आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगाई गई हैं। अब चूंकि पीएम मोदी ने सीधा आदेश दिया है तो इसका मतलब यह है कि अमित शाह इस घटना की सीधी रिपोर्ट तलब कर मोदी तक पहुंचाने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही मणिपुर में ऐसी मांग उठी थी कि वहां योगी का बुलडोजर पहुंचना जरूरी है, तभी बवाल शांत हो पाएगा। पर ऐसे पापियों का इलाज लगता है बुलडोजर की सेवा किसी और तरीके से करना होगा। समाज में जो गुस्सा इस घटना के बाद दिखाई दे रही है वो ये बताती है कि हम किसी घटना के बाद गुस्से में तो आते हैं पर अपने बच्चों को संस्कारों की सीख देने में पीछे रह जाते हैं। इस घटना पर विपक्ष ने भी राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी अब इसे लेकर काफी गुस्से में हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मणिपुर में सभ्यता का चीरहरण हुआ है और संस्कृति का पाताल पतन। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो से लेकर शेमफुल और तरह तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। किसी बड़ी घटना के बाद ट्विटर पर ट्रेंड की बाढ़ आ जाती है, पर जनता और सरकार दोनों को सोचना होगा कि सभ्य समाज की स्थापना क्या ऐसे होगी। बड़े बड़े अधिकारियों को ये सोचना होगा कि ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाए। ऐसा करना तो छोड़िए, कोई सोच भी ना पाए। इन दुष्टों के साथ क्या होना चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, ताकि सरकार तक आपका सुझाव पहुंचे और इस बार कानून के हिसाब से सजा तो हो पर लोगों की भावनाएं भी सुनी जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।